वेलकम बैक। लास्ट स्लाइड में लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा कि अगर हम किसी भी क्लास के अंदर डाटा मेंबर डिफाइन करते हैं मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर, तो उसकी उतनी कॉपीज बनती हैं। ठीक है, जैसे ये था हमारे पास प्रोटेक्टेड वेट, वेट का एक मैंने व्हीकल का वेट का ऑब्जेक्ट बनाया जो पेरेंट पे पड़ा है, इसका सेटर गेटर बनाया। ठीक है, मैक्स लोड को भी भूल जाएँ क्योंकि हमारा फोकस वक्त डाटा मेंबर्स हैं। उसके बाद मैं आके ये लैंड क्लास यूज़ कर रहा हूँ, देन वाटर यूज़ कर रहा हूँ, वाटर व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके लैंड को एक वैल्यू दे रहा हूँ 20, और उसके बाद मैं व्हीकल को वैल्यू दे रहा हूँ, वाटर व्हीकल को 10 दे रहा हूँ वैल्यू। बाहर आके मैं इसे एक्सेस करता हूँ, एक्सेस करने गेटर सेटर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, और आपको इसकी मेमोरी की लोकेशन बताते हैं, मेमोरी का दिखाते हैं क्या हालात हैं। एंड एल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, सो लेट्स सी एग्जीक्यूट इट। तो ये हमारा जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि दो कॉपीज बन रही हैं, वेट 10 एंड वेट 20, क्योंकि हमने जिस पाथ के थ्रू गए हैं उतनी कॉपीज बनेंगी। ठीक है, तो जो अभी का जो हमारा लास्ट टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो है वर्चुअल इनहेरिटेंस। इन वर्चुअल इनहेरिटेंस देयर इज एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ एनोनिमस बेस क्लास ऑब्जेक्ट। बेस क्लास ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक कॉपी बनेगी थ्रू वर्चुअल इनहेरिटेंस, याद रखिएगा। जब भी कभी आपने इंटरव्यू क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन, GDB, कुछ भी ऐसा जनरल डिस्कशन वगैरह हो रही है, या ग्रेडेड डिस्कशन हो रही है, या आपकी वट एवर जहाँ पर भी बात हो रही है वर्चुअल इनहेरिटेंस की, तो आपको पहले इसका ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि वर्चुअल इनहेरिटेंस कहाँ से आती है। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस जब हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, डाटा लेवल जो हमारा टॉप लेवल के ऊपर जो डाटा होता है, अगर उसको एक्सेस करने की या उसके अंदर वैल्यू सेट करने की कोशिश करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपी बनती है जितने वो पाथ हों। ठीक है, तो उस पाथ का जो सलूशन ये है कि एक ही कॉपी बने, वर्चुअल इनहेरिटेंस। करना क्या होता है, आपने जो जो है आपका फ़ौरन जो क्लास एक्सेस कर रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं बेस क्लास को, उनके और दरमियान पब्लिक लिख देना है, सॉरी वर्चुअल लिख देना है, पब्लिक वर्चुअल, पब्लिक वर्चुअल। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाली व्हीकल जो उसको एक्सेस करने जा रही है, तो हम कहेंगे जी पब्लिक वर्चुअल, पब्लिक वर्चुअल। अब बेशक मैं इनको दो वैल्यूज़ भी दे रहा हूँ आपके सामने, पहले मैंने 20 दी है, फिर मैंने 10 दी है अपने पाथ के हिसाब से पहुँच के। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ ओके जी कम हेयर कंपाइल इट, तो दोनों को जो वैल्यू है 10 मिल रही है, जो क्योंकि बाद में हमने 10 वैल्यू असाइन की है जो इस लाइन के बाद असाइन हुई है, क्लियर। और अगर मैं इसकी इसको अब यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूँ विदाउट दीज वेरिएबल नेम इन दीज क्लास नेम, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार भी अगर लिख दूँगा ये, इसको मैं ये कर देता हूँ एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो मेरे पास एम्बिग्विटी का भी कोई एरर नहीं आया। सो ये आप देख सकते हैं कि हम किस तरह इसको वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, किस तरह उसकी कॉपीज जो है ना वो सिंगल कॉपी बनाने बनती है इसमें। ठीक है जी, वर्चुअल इनहेरिटेंस के अंदर आपने जो पेरेंट क्लास है उसको आपने ड्राइव्ड क्लास की, जो पेरेंट क्लास है मल्टीपल लेवल की बात कर रहे हैं, उसे आपने वर्चुअल डिक्लेयर कर देना यहाँ पे, तो ये हमारी वर्चुअल इनहेरिटेंस होगी। इस केस में डाटा मेंबर ऑफ व्हीकल क्लास आपकी क्या हो जाएंगे, एक ही कॉपी बनेगी इनकी, अब इसकी अपनी बनेगी कॉपी, इसकी अपनी कॉपी बनेगी, और ये उसकी सेपरेट कॉपी चाइल्ड की तो बनेगी ही। सो वर्चुअल इनहेरिटेंस मस्ट बी यूज व्हेन नेसेसरी, कब ये नेसेसरी होती है, देयर आर सिचुएशन व्हेन प्रोग्रामर वुड वांट टू यूज टू डिस्टिंक्ट डाटा मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास रादर देन वन। जैसे ये देखें, अगर हम ये यूज़ करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ MS एंड PhD, वो MS का भी है और PhD का भी स्टूडेंट है, डिग्री उसकी एक ही है, उसकी MS लीडिंग टू PhD जैसे है, तो GPA वो कहाँ से लेता है, स्टूडेंट की क्लास से। तो बजाय इसके कि GPA के इसके मल्टीपल इंस्टेंस बने, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट वर्चुअली इनहेरिट विद स्टूडेंट, MS स्टूडेंट एंड PhD स्टूडेंट एज वेल। सो ये हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस का। सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी, अब आपको अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो आप पूछ सकते हैं, वही हमारे चैनल्स हैं, सारा कुछ सेम वही है, ये ईमेल एड्रेस है vuacademy.com, यहाँ से आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर